मैंने एक रील देखी थी एक भाई का, उसका नाम याद नहीं है, वो रैंडमली आई थी, स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे, बाकी उस भाई का नाम तो पता नहीं, लेकिन हाँ वो भाई गाड़ियों के अंदर रील बनाता है, ठीक है, और कुछ मतलब निजी निजी बातों पर बातें कर। तो भाई अब हम सारा ने तो सबका क्या हाल है भाई? भाई काफ़ी टाइम हो गया व्लॉग नहीं बना पा रहा था, क्योंकि इतना बिजी हूँ और गेहूँ की बिजाई स्टार्ट होने वाली है, हो चुकी है, लेकिन मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए। तो आप सभी को पता है आज करवा चौथ है और बहुत सी बातें करनी है आज आप लोगों से करवा चौथ के ऊपर भी कुछ, ठीक है। बाकी अभी खेत में आया था, आप लोगों को दिखा देता हूँ, अभी ट्रैक्टर लेके आया था भाई, ये खेत है, सुबह 5:30 बजे का आया हुआ हूँ खेत में, इसकी अभी जुताई करूँगा, उसकी मैं कर चुका हूँ वहाँ पे, उधर देखो, और इधर भी कर दी है और दूसरे खेत में भी कर आया हूँ। तो काफ़ी अंधेरा था तो इसलिए वीडियो नहीं स्टार्ट की थी, तो अभी सोचा कि आप लोगों से बात कर लेते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। ये आरू भाई खोल लिया और भाई ये अपना ट्रैक्टर जुताई कर चुके हैं भाई, और भाई ये DLF अल्टिमा। तो भाई मैं अभी आ गया हूँ सरसों की रखवाली, धरती तो जोत दी है मैंने, लेकिन अभी कुछ काम रह गया है, प्रोसेस में है अभी, इसके बाद जैसे ही कबूतर मेरी सरसों को थापना बंद कर देंगे उसके बाद मैं चला जाऊंगा कहाँ पे टिलर मारने, ठीक है, हम जोड़ेंगे कल्टीवेटर जिसको कल्टीवेटर बोलते हैं, फिर कल्टीवेटर मारेंगे खेत में, उसके बाद दूसरे खेत मारना है, उसके बाद आज खेत की बिजाई खाद की बिजाई करेंगे, फिर इस कल गेहूँ की बिजाई हो जाएगी। अभी तो मैं सरसों वाले खेत में आ गया हूँ, इसमें काफ़ी मात्रा में ना कबूतर लग जाते हैं, तो वो सरसों की जो बिजाई करा रखी है ना उसको उसके ऊपर रेत डाल जाते हैं तो दब जाती है, तो उसके बाद वो निकल नहीं पाएगी क्योंकि सरसों में इतनी जान नहीं होती जो पेड़ होता है शुरू में। हाँ गेहूं का निकल सकता है, उनकी पैनी नोकी होती है तो वो बाहर आ जाता है रेत पड़ने के बावजूद भी। तो ये सिग्नेचर है भाई, देख लो पीछे। मैं अब घर आ चुका हूँ, नहाया धोया हूँ, बाकी अभी भी काम अधूरा छोड़ के आया हूँ खेत में, तो खेत में अधूरा काम इसलिए छोड़ के आया हूँ कि भाई बर्थ खोलना है। आज मैंने पहली दफ़ा अपनी वाइफ के लिए बर्थ किया करवा चौथ पे, और इसके पीछे भी एक स्टोरी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, और हंसी की भी है, और जो मुझ जैसे कुछ हस्बैंड है वाइफ के उनके बचाव के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि भाई ज़रूर देखना। बाकी मैंने एक रील देखी थी एक भाई का, उसका नाम याद नहीं है, वो रैंडमली आई थी, स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे, बाकी उस भाई का नाम तो पता नहीं, लेकिन हाँ वो भाई गाड़ियों के अंदर रील बनाता है, ठीक है, और कुछ मतलब निजी निजी बातों पर बातें करता है अच्छी अच्छी, तो उस भाई की रील देखी थी मैंने, तो उस रील के कारण आज मैंने ये काम किया है पहली दफ़ा, 4 साल में पहली दफ़ा। बाकी और भी कुछ बताएंगे अभी पंडित जी, मतलब जो हमारी दादी मामनी है उसको हमने बोला है वो कहानी सुनाने आएगी, तो मैं कहानी सुनने आया हूँ, मैं ट्रैक्टर पर जाना है वापस, अभी खाद की बिजाई करूँगा, ठीक है, ये बातें सारी मैं करूँगा कि मैंने क्या भयंकर किया है वो सब बातें आप लोगों को मैं बताऊँगा, वो लोग पूरा देखना, ठीक है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पियर से भेजे जाते हैं, तथा इसमें निम्नलिखित कहानी मेरी भतीजी आई है और मेरी भाभी आई है, लेकर व्रत खोला जाता है, बामणी तो आई ना, वो मेरी मम्मी रोटी खा रही पीछे, या मेरी भाभी है और या मेरी भतीजी है, बामणी नहीं आई तो कहानी सुनाना भतीजी सुननी पड़ रही है क्योंकि भाई खेत में जाना है, और अपनी बहन से बोले आ बहन तू भी खाना खा ले, उनकी माँ बोली आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। सुन लो भाई, तो उसके भाइयों ने छल कपड़ी, चलो भाभी चांद निकल आया है अर्घ दे लो, तो उसकी भाभी बोली ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा, यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को ये सामान रख रखा है और खाने बैठ, ये बाजरा है, ये करवा है, तोड़ा दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा तो उसने आशीर्वाद दिया, तब वह बोली जब तूने मुझे आशीर्वाद दे ही दिया है तो करवे भी लेकर जाए, तो वह करवे वाली बोली तूने तो मुझे ठग लिया, यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए, अब करवे लेकर उसने व्रत की तैयारी की, व्रत रखा, राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया, मैं बोली सोए नहीं, ये तो इसको मतलब व्रत खोली हुआ है, बाकी अरे मतलब अब तो कुछ चाय पानी तो पी सका, हाँ क्या भाई यूपी की बदमाश है,
यूपी, ये हमारी भाभी यूपी से बलेनी फलेरा था, फलेरा था ये मेरे भाभी भाई फलेरा था। तो कहानी इन लोगों ने मेरे को सुनाई है और मेरे बर्थ खोल लो है, पानी चाय पी सकूँ, अब कोई चिंता ना रहेगी, अब कल तीर खेत में पानी पी लूँगा तो काम चल जाओ, वनी मैं तुम सोच रहे तो कहीं बर्तन तोड़ दूँ दिक्कत आ जाओगी। रुपया बचा लिया अपना, सूट साड़ी दिलाने का चक्कर बंद कर लिया, फंस गए सही नहीं नहीं, मैं उस भाई तक बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ उसकी रील ने देख कर, उसने बात सही कही है, थम्बर सूट खातर करो या फिर आदमी खातर करो बताओ। तो आदमी के लिए पर सूट ना, 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 तो मैं बर्थ कर रहा हूँ ना, सूट कैसे मिलेगा, बाकी और भी बातें बताऊंगा, काम करता होगा। और ये हमारे भतीजा, हमारा भतीजा ना ना, मैं आज जन बर्थ है, हाँ मेरे करवा चौथ को बर्थ है, चाची भी बर्थी है, सब बर्थी है ना, यो मैंने प्यार तो मूसो का वहाँ मूसो पर जन्मदिन है, बोलिए भाई सब भाई है ना, जो भी भाई गजब बेइज्जती है। और एक ये जोनी भाई, वो भी ब्याह था आज, वो भी बर्थी है, और एक जो भाई है यो नितिन का जो, यो भी बर्थी है, वैसे तो प्रखार हुआ है, और एका का है भाई, अभी एका नसीब में फल फ्रूट को बर्थी हूं भाई, अभी एका नसीब में करवा चौथ को बर्थ है नहीं भाई, ना कोई एक जाड़ को बर्थ है मेरा, 21 वाली जाड़ को बर्थ है भाई, देख यो एक जाड़ को बर्थी है, खेत में काम कर रहा था, खेत से भी आया हूँ, आके बस नहाया धोया हूँ और वही दोबारा जो मॉर्निंग में कहानी सुनी थी वही कपड़े दोबारा पहन लिए हैं, ठीक है, और भाई मेरी गुलाब अब तैयार हो चुकी है, बस चुंदरी ओढ़ के, और चांद निकल गया है भाई, चांद आ चुका है, तो अभी चांद देख लेते हैं, व्रत खोल लेते हैं, क्योंकि भाई सुबह से इतना काम कर लिया है, और आज तो एक यार भतीजे का जन्मदिन भी था, और कुछ भी नहीं खा पाया हूँ, केक को देख के यार मन तो बहुत कर रहा था लेकिन कुछ खा नहीं पाया, वो तो कोशिश कर रहे थे भाई बहुत स्वाद है ये है वो है, लेकिन मैंने नहीं खाया भाई, व्रत कर रखा है। उस आदमी की रील से मैं इतना प्रेरित हूँ क्या बताऊँ भाई, और काफ़ी मज़े भी आ रहे हैं, ठीक है, पहली दफ़ा का एक्सपीरियंस अच्छा रहा भाई मेरा, तो बाकी ये एक्सपीरियंस के पीछे कहानी है, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को शॉपिंग नहीं कराई है, ठीक है, ठीक है, ये सब जितनी भी लेडीज है सूट के लिए वर्क करती हैं, ठीक है, तो मैंने अपनी वाइफ को इधर आ जा, मैंने अपनी वाइफ को ना सूट नहीं दिलाया बटके में वर्क किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे इन्होंने मेरे लिए वर्क किया, कभी भी नहीं करते ये वर्क, कोई सा भी वर्क नहीं करते, नहीं पहले तो मैं सो लकी हूं जो मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। चल तो भाई चांद आ गया है, वर्क खोल लेते हैं पहले, दिख रहा है, और अब ये दूसरा चांद देखा जा रहा है, फोटो खींच रहे दिलाने के कारण मैंने वर्क करे, ठीक है, तो मैं सभी आज मैं कहना चाहूंगी भाई हाँ सूट मत दुआओ, वर्क करो बदला में, ठीक है, ये सूटा खातर वर्क करे तो हम ना कर सका है भाई, हमने क्या मिलेगा, हमने तो कुछ दुआ ही ना रहा कोई भी। अरे वो देख की औरत चाची देख, चाची तो खाने लग रही रोटी, तो भाई उसके लेते हुए हमने तो भाई वो भाई
एक और भाई लग रहा हूँ, भाभी बर्थ खोल रही मेरी, वो पीछे वहाँ वो खोल रही। तो भाई अब हम और एक सबसे अलग बात है कि भाई वैसे ना पितृदेव की समाधि है, इन पे अब दो खा लेते हैं, ठीक है, जो तुमने पहले करी दी थी भाई। तो अब चलते हैं अंदर, फटाफट आओ जल्दी आ रही मम्मी, कहाँ हो मम्मी, मम्मी कहाँ भाई, मम्मी तो बर्तन नहीं थी, मम्मी तो रोटी खाने लगी, मम्मी तो भाई रोटी खाने लगी। तो भाई अब हमारी जो हमारा मंदिर लड्डू गोपाल और हमारी माता रानी गणेश जी महाराज गणपति सब इनकी हम ये दो कर लेते, जय माँ शेरावाली। ये दो ले ली मैम ने, ठीक है, और ये हमारा डुगू शैतान, इसके हाथ लग गई है बैटरी और ये है नंगा, बाकी इसने भाई देखो ये सर फुटवा लिया है भाई, सर फुटवा लिया है इसने, ठीक है। और अब हम मम्मी के पैरों की दुख खा लेते हैं भाई, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, बारी बारी करके हम खा लेते हैं भाई। तो हमारी माता जी माजी दो खा, माजी का पैर छू, माजी का पैर छू, चल माजी का पैर छू, भैया आज तो छोटी फुलझड़ी ने भी आशीर्वाद ले लिया है अपनी दादी को, माजी का। और अब खाने की तैयारी, वैसे खाने में क्या क्या बनाया ये तो बता दे, पनीर की सब्जी, पूरे दिन भूखे रहने के बाद आज पनीर मिलेगा, ये लो भाई रायता भी बना हुआ है, पूरी है और भाई और सबसे बड़ी बात पूरी है आज, तो आनंद आ जाएगा भाई, पूरी काफी दिन हो गए खाए, किसी का जिम को भी तो ना आया, अब तक जिम में भी ना भाई किसी के घर। बाकी मैं इस चीज से भाई प्रेरित हूँ जो भाई ने बनाई इसको लेते हुए, और बाकी भाई बीच में अभी हमारे जो हमारे बीच नहीं हमारे पिताजी, पिताजी से आशीर्वाद लेना रह गया था, तो ये हमारे पिताजी हैं और हम इनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं, ठीक है। बाकी गुस्सेल बहुत थे भाई तो अब हमारे बीच है नहीं, ठीक है। बाकी भाई मैं तो उससे प्रेरित हूँ जो वो बंदा है भाई, वो भाई अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है गाड़ी के अंदर, उसने उसकी एक जो रील देखी थी वो रील के कारण मैंने भाई बर्थ किया है पहली दफ़ा, 4 साल के अंदर पहली दफ़ा मैंने बर्थ किया है, वो भी खर्चा बचाने के लिए। सबसे बढ़िया बात मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि भाई वाइफ ही बर्थ करती है हमारे लिए, कभी हम भी उनके लिए करके देखें, तो मेरा एक्सपीरियंस तो भाई अच्छा रहा, पूरे दिन काम भी किया, मैं भूखा भी रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, और बाकी मैंने भाई शॉपिंग भी नहीं कराई शॉपिंग नहीं कराई भाई, शॉपिंग बिल्कुल ही नहीं कराई, मैं लेके ही नहीं गया शॉपिंग के लिए, और इसके चक्कर में मैंने बर्थ किया है, ठीक है। तो भाई जिस जिसने शॉपिंग नहीं कराई है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई लाइक करो एंड शेयर करो, और आज हरियाणा दिवस भी है, ठीक है, 1 नवंबर था हरियाणा दिवस था, और आज ही करवा चौथ है, ठीक है। तो अभी खाना खा लेते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।